आप यहाँ से किसे विधायक देखना चाहते हैं? जी बीजेपी को। आप अपने एरिया से किसे विधायक देखना? बीजेपी का। आप यहाँ से किसे विधायक देखना चाहते हैं? यहाँ से तो हम बीजेपी का देखेंगे। अपने एरिया से किसे विधायक देखना चाहते हैं? बीजेपी का बग्गा जी हैं, उनको देखना चाहते हैं। आप अपने एरिया से किसे विधायक देखना चाहते हैं? मैं तो बीजेपी को वोट देता हूँ और बीजेपी को दूंगा। नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ काव्या मिश्रा। दिल्ली में विधानसभा चुनाव है और इसी बीच आज हम आए हैं हरिनगर विधानसभा क्षेत्र के नांगल राय मार्केट में और आज हम यहाँ पे जानने वाले हैं जनता से उनकी राय कि वो अपने यहाँ से किसे विधायक देखना चाहते हैं। मैडम, मेरा आपसे पहला सवाल है, आप यहाँ से किसे विधायक देखना चाहते हैं? जी बीजेपी को। क्यों देखना चाहते? हमें लगता है बीजेपी आने से देश का सुधार होएगा। मतलब आप इससे पहले यहाँ पे आम आदमी पार्टी थी, आपको नहीं लगता कि उन्हें दोबारा जीतना चाहिए? बीजेपी है चॉइस। आप बताइए मैडम, आप किसे विधायक देखना चाहते? मैं भी बिल्कुल बीजेपी का ही विधायक देखना चाहूंगी। आप क्यों देखना चाहते हैं? क्योंकि इस जी जो प्रॉमिस करता है उसको निभा रहे हैं और मुझे लगता है निष्पक्ष है, जो हमारा प्रधानमंत्री के नेतृत्व में है वो निष्पक्ष है, पूरा देश का हित लेकर आगे चल रहे हैं, किसी एक उसके लिए नहीं है और सिर्फ राजनीति की भूख नहीं है उनमें। उनमें है कि हाँ, समाज में सुधार होना चाहिए, देश को अग्रसित करना चाहिए और दुनिया के पटल में इंडिया आगे पहुँचना चाहिए। इसलिए मुझे तो पूरा लगता है कि बीजेपी ही जीतना चाहिए। हमें अपने निजी स्वार्थों को भूल कर एक बड़े मंच पर उस चीज़ को सोचना चाहिए, भले हमारे स्वार्थ ना सदें लेकिन देश का चाहिए। वाले आप यहाँ से किसे विधायक देखना चाहते हैं? यहाँ से बीजेपी ज़्यादा चाहते हैं जी। आप क्यों चाहते हैं बीजेपी? क्योंकि देखो जी, लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, नगर परिषद सारी एक जैसी हो जाएगी तो जल्दी विकास होगा। मतलब केजरीवाल कह रहे हैं कि उन्होंने 5 साल में बहुत काम करा है, तो आपको लगता नहीं है कि उन्हें वोट मिलना चाहिए? नहीं, देश की वजह से ज़्यादा बीजेपी को चाहते हैं। आप अपने एरिया से किसे विधायक देखना चाहते हैं? बीजेपी का। क्यों देखना चाहते हैं? क्योंकि बीजेपी जो है पूरा देश के लिए काम कर रहा है, बीजेपी के देखना चाह रहे हैं। मतलब आपको लगता है कि बीजेपी अगर आती है तो काम होगा? बीजेपी देश के लिए काम होगा और दिल्ली के लिए भी ज़्यादा काम होगा। बट केजरीवाल कह रहे हैं उन्होंने 5 साल में बहुत कुछ करा है। ऐसा कुछ नहीं है, सब अधूरे काम किए हैं, कुछ नहीं ऐसा क्या किया है। सर, आप यहाँ से किसे विधायक देखना चाहते हैं? यहाँ से तो हम बीजेपी का देखेंगे। क्यों देखना चाहते हैं? हाँ जी, राष्ट्र के साथ, राष्ट्र है तो सब कुछ है, नहीं तो कुछ भी नहीं। मतलब केजरीवाल कह रहे हैं उन्होंने 5 साल में दिल्ली के लिए बहुत कुछ करा है, तो वो सब फेल? देखिए, बहुत कुछ केजरीवाल जी ने क्या किया, खाली फ्री देंगे, हम लोग टैक्स भरते हैं तो हमारा जो टैक्स है वो फ्री में बांटने के लिए तो नहीं है, ठीक है। दूसरा, कहीं भी जाइए कोई सड़क नहीं बनी है, जगह जगह गड्ढे, आप चलो तो मेरे साथ में दिखा सकता हूँ आपको, पुल के नीचे कोई शौचालय कुछ नहीं, कोई सुविधा नहीं, तो हम उसके साथ नहीं जाना चाहते। अपने एरिया से किसे विधायक देखना चाहते हैं? बीजेपी का बग्गा जी हैं, उनको देखना चाहते हैं। क्यों देखना चाहते हैं? यंग है, काम कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। आप पार्टी ने कोई आता ही नहीं है यहाँ पे, ना काम हुए हैं कुछ, मोहल्ले में सड़कें टूटी हुई हैं, दिखाई नहीं दिए जब से 5 साल से। वो अभी यही सवाल कुछ लोगों से पूछा था बट उन्होंने कहा कि केजरीवाल ने बहुत कुछ हमें फ्री दिया है। फ्री से क्या होता है, फ्री तो निकम्मा बना रहे हैं वो सरकार को, कोई काम नहीं करेगा। जो 2 किलो आटा देंगे, बिजली फ्री देंगे, कौन काम करेगा? जो इनकम टैक्स दे रहे हैं वो पागल हैं, बाकी वो फ्री बांट, जहाँ वोट चाहिए उसको फ्री बांट रहा है, क्या फ़ायदा है? सिर्फ मतलब शाहीन बाग में जो प्रदर्शन हो रहा है आप उसके लिए क्या कहना चाहते हैं, कितना सही कितना? वो गलती है मैडम। क्यों? क्योंकि वो जो मेम्बर वो है उसको बाहर निकालना सही है, जो बाहर से आ रहे हैं देश में नुकसान ही हो रहा है। बट उनका कहना है कि हमारी मांगे जायज़ हैं जिनके लिए हम यहाँ बैठे हैं। तो गलत है ना, जायज़ है, उनको तो फ्री का बैठ कर खाने को मिल रहा है उनको, तो वहाँ पे पैसे मिल रहे हैं उनको 500-500 रुपये, वो तो पूरी ज़िंदगी बैठाए रखो, एक घर से 5-5, 7-7 आदमी बैठते हैं, एक उठता है एक बैठता है, वहाँ पे पैसे मिल रहे हैं उनको, उन्हें क्या दिक्कत है उन्हें। आप अपने एरिया से किसे विधायक देखना चाहते? मैं तो बीजेपी को वोट देता हूँ और बीजेपी को दूंगा। क्यों देखना चाहते? क्योंकि मैं चाहता हूं कि सेंट्रल के अंदर में सरकार अगर बीजेपी की है तो हमारी दिल्ली के अंदर भी सरकार बीजेपी की आनी चाहिए, उसे कार्यकाल के अंदर में, काम करने के अंदर में, सब चीज़ करने के अंदर में किसी को एक दूसरे की खींचातानी नहीं करनी पड़ेगी। बट केजरीवाल का कहना है उन्होंने 5 साल में बहुत कुछ करा। केजरीवाल ने बहुत कुछ किया है, हम मानते हैं केजरीवाल ने किया है, अगर बीजेपी की सरकार आएगी तो वो उससे भी अच्छा करेगी, क्योंकि वो दोनों सरकार एक होगी। तो मतलब आप चाहते हैं कि यहाँ पे बीजेपी की? मैं चाहता हूँ पूरी दिल्ली में बीजेपी की सरकार आए।